Chef, what you should. हर पल मनाओ केसरी त्योहार विमल बोलो जुबान केसरी। तो आइए जानते हैं रोड से रिपोर्ट, जनता किसको दे वोट, जनता से ही बात करते हैं। क्या कहेंगे दादा, ऐसे ही बताइए, क्या माहौल है अमेठी में? ठीक है साहब। किसका माहौल है? बस बीजेपी। बीजेपी का? वाह, सीधा लाइन आप बोल रहे हैं। हमारे साथ एक भाई साहब और हैं, देखो नींबू लेने आए हैं गर्मी में, और नींबू से अच्छा कुछ नहीं। क्या कहेंगे, क्या माहौल है इस समय? माहौल ठीक है जी, बहुत बढ़िया है। हाँ जी। अरे तो मतलब किसके पक्ष में? बीजेपी के पक्ष में है। बीजेपी के पक्ष में है? हाँ जी। अच्छा ठीक है, हम आगे भी बढ़ते हैं। भाई शुरुआत किया हूँ तो कहीं ना कहीं दो लोगों ने अपनी राय रखी है, हम आगे बढ़ते हैं। देखिए भाई साहब एकदम अपने काम में एकदम रमे हुए हैं एकदम सुबह से। दादा क्या माहौल है अमेठी में, आप बैठे हैं, क्या माहौल है यहाँ? अब ठीक है, हमका के बारे में ज़्यादा हमें विशेष जानकारी नहीं भाई, हम तो ये नहीं, हम तो बीजेपी से स्मृति ईरानी है और कांग्रेस से राहुल आएंगे, तो क्या माहौल रहेगा? अब ठीक है रहे हमारी समझ से, तो और क्या बताइए। क्या माहौल रहेगा बाबा, युवा हैं आप, इधर आइए सीधा आइए, किसका माहौल रहेगा, क्या कहेंगे? अच्छा माहौल रहेगा दोनों का। दोनों का अच्छा माहौल रहेगा, तो किसका पल्ला भारी रहेगा? दोनों का रहेगा, दोनों समर्थन का रहेगा। चलिए हम आगे चलते हैं और देखते हैं कि अमेठी की जो जनता है ये क्या सोचती है, क्या बोलती है और क्या कुछ करने वाली है इस चुनाव में। देखिए ये भाई साहब की पान की दुकान है और काफी अच्छी दुकान लग रही है। भाई साहब अमेठी में क्या माहौल है जी? अमेठी में क्या माहौल है चुनाव को लेकर? दीदी के चांसेस हैं ज्यादा। अच्छा दीदी के चांसेस ज्यादा माहौल है भाई साहब अमेठी में, क्या चल रहा है? चूंकि एक तरफ बीजेपी और एक तरफ कांग्रेस की चर्चा चल रही, हो सकता है कि राहुल गांधी आए मैदान में, क्या कहेंगे? राहुल गांधी के तो अभी नामांकन हुआ ही नहीं, एक तारीख को सुनाई पड़ रहा है कि एक तारीख को यहाँ रायबरेली में करेंगे। नामांकन तो बीजेपी वालों ने भी नहीं किया है, तो आपको माहौल क्या लग रहा है? अरे भाई हर पार्टी तो करेगी ही नामांकन, कोई ये तो है नहीं कि कांग्रेस नहीं करेगी तो बीजेपी भी नहीं करेगी। बीजेपी का तो स्मृति ईरानी दीदी जी का तो ये है प्रचार। अच्छा। उनका तो सुनाई दे रहा है कि हाँ वो लड़ेंगी। हाँ। उनका तो सुनाई दे रहा है। हाँ। माहौल क्या है, माहौल किधर भारी किधर? हाँ मतलब दीदी जाने, अब योगी जी जाने, अब उनकी पार्टी के कार्यकर्ता हैं लोग, तो आप ही लोगों को करना है। हम लोग तो सक्रिय है ये है, हम लोग आएंगे। देखिए एक्चुअली क्या है ना, एक बात और है, अमेठी की जनता इसलिए भी खुल के नहीं बोलती है क्योंकि बहुत दिनों तक कांग्रेस के साथ खुल के रही, एक तरफा मामला, यहाँ कोई नॉमिनेशन भी नहीं करता था, कोई प्रत्याशी भी नहीं लड़ता था, तो एक तरफा कांग्रेस का मामला। लेकिन यही लोग दूसरी तरफ गए हैं तो बोलने में जरूर संकोच करते हैं, लेकिन मैं रोड की रिपोर्ट में जानने की कोशिश करूँगा क्या माहौल क्या है अमेठी। ही नहीं पूरे देश का माहौल मोदीमय है और निस्संदेह इसमें कोई डाउट नहीं है, 400 पार ये होगा इस बार। एक चीज है जो मोदी जी को मैं आपके माध्यम से एक संदेश देना चाहता हूँ कि वो सारे फसाद की जड़, समस्या की जड़ जो है वो इस समय देश में भ्रष्ट नौकरशाही है जो खुद के लिए जीने में भरोसा रखती है और उस पर नकेल कसने का लाल फीता शाही पर वो इलाज हो रहा है तो लोगों को बुरा लग रहा नहीं, वो उनकी उनकी जो कोशिश है लिटरल एंट्री सिस्टम वो बहुत अपने आप में एक बहुत ही बेहतरीन सिस्टम है जिसको पूरी तरह से सराहा जाना चाहिए। और मोदी जी ने देश के लिए जो किया है निस्संदेह वो कोई सरकार आज तक न कीप कर पाई है न कर पाएगी। कहेंगे कि आपकी बात पहुंचे, ये जो आपने एक राय दिया है दादा, क्या कहेंगे, क्या माहौल है अमेठी में? ठीक है ठीक है। इसका पल्ला भारी रहेगा मोदी का? मोदी का रहेगा। एक चाय की दुकान है, पंडित जी की चाय दुकान, यहाँ पे रात दिन भीड़ लगी रहती है, देखिए चाय उबल भी रही है और जबरदस्त इनके चाय का टेस्ट है, चूंकि मैंने टेस्ट लिया है इनके चाय का। क्या कहेंगे, माहौल क्या है अमेठी का? बढ़िया माहौल है। बढ़िया माहौल है। हाँ। तो किधर जा रहा है माहौल? जो है वही रहेगा, जो है वही रहेगा। हाँ। देखिए आपने तो हिंट दे ही दिया, तो ज्यादा क्या पूछना, हम और भी कुछ लोगों के पास जाते हैं, कुछ महिलाएं हैं, क्या कहेंगी मैम? यहाँ से एक तरफ स्मृति ईरानी है, एक तरफ कांग्रेस, कुछ बोलेंगी क्या? क्या मुस्कुरा क्या रही है, बोलिए तो। देखिए चली गया, आप कुछ बोलेंगी? नहीं भैया हमने कुछ नहीं। अच्छा कुछ नहीं बोले, मैं आगे चलते हैं। देखिए एक भाई साहब है यहाँ हंस रहे हैं, क्या कहेंगे, क्या माहौल है? माहौल तो मतलब ठीक ही है, ठीक ही है माहौल तो अभी ठीक ही है, लेकिन प्रतिद्वंदी कोई आएगा
तो कुछ क्राइसिस होगी, मेहनत करना पड़ेगा, मतलब टफ हो जाएगा मामला, इलेक्शन टफ होगा। कांग्रेस का अगर कोई प्रत्याशी राहुल जैसे लोग आ जाएंगे तो थोड़ा टफ पड़ेगा। क्या अभी डाउट है क्या कि राहुल यहाँ से आएंगे या नहीं आएंगे? अब डाउट क्या, अब क्लियर तो किए नहीं, अभी तो खाली हल्का फुल्का व्हाट्सअप फेसबुक वगैरह दिखाई पड़ रहा है कि सुनने मारा का देर रात हो सकता है घोषणा हो जाए तो अच्छी बात है, आएंगे तो ठीक है, देखा जाएगा फिर। लड़ाई रहेगी, लड़ाई बनेगी, तो भारी किसका मामला रहेगा? अभी तो भाजपा भारी दिखाई पड़ रही है, भाजपा दिखाई दे रही है, बाकी जब प्रत्याशी आएंगे अपना प्रचार करेंगे तो जनता बताएं। क्या माहौल है अमेठी का? जी बीजेपी। बीजेपी का माहौल जी, आप पहली बार वोट करेंगे? नहीं पहले किए हैं। इसके पहले किए हैं जी? हाँ। मतलब आप उम्र हो गई 18 साल, ज्यादा हुई है, 30 होने वाली है। फिर आप दोबारा करेंगे? जी हाँ। अभी तो आप वोटर, आपका नहीं बना होगा ना वोटर आईडी कार्ड, तो उन्हीं लोगों के पास जाते हैं जिनको वोट भी करना है। देखिए ये मंडी भी यहाँ लगी है अमेठी की सड़कों पर, और ये सड़क पे है देखिए एक भाई साहब हैं यहाँ पर, देखिए मिर्च बेच रहे हैं और दूसरी तरह की भी मिर्च है और गाजर भी है, लेकिन इनसे हम जानना चाहेंगे भाई साहब माहौल क्या है अमेठी का? भाजपा जिंदाबाद। देखिए एक तरफा बिना संकोच के बोल दिए आप, क्या कहेंगे भाई साहब? वही है भाजपा। हाँ देखिए भाई मामला जोरदार है और टक्कर का है, जिस तरह से लोग राय दे रहे हैं, हम चाहेंगे कि हम उधर चले हैं और कुछ फल वाले विक्रेता हैं उनसे बात करते हैं कि आखिर अमेठी क्या राय देना चाह रही है, अमेठी की जनता क्या सोचती है। लड़ाई तो कांटे की होने वाली है, इसमें कोई दो राय नहीं, जिस तरह से राहुल गांधी की चर्चा है कि राहुल गांधी यहाँ आने वाले हैं। देखिए एक मैडम है और इनकी जो सब्जी की दुकान है, बहुत अच्छी प्याज वगैरह ये रखी है। मैडम क्या माहौल है अमेठी का? हमें नहीं पता भाई, हम यहाँ से आए नहीं, हम यहाँ से आए नहीं। मुनी से बात करते हैं, फल वाले एक भाई साहब है, देखिए शानदार ये फल लगाए हुए हैं, क्या माहौल है भाई? यहाँ तो अभी कोई पता ही नहीं कौन खड़ा है कौन नहीं खड़ा है, कोई तो अभी घोषणा नहीं हुआ, जब घोषणा हो तब पता लगे कि क्या माहौल क्या नहीं है। अच्छा ये बीजेपी से जो प्रत्याशी खड़ी है इनका 29 को है, राहुल गांधी की भी चर्चा है, भारी कौन पड़ेगा? दोनों रहते हैं यहाँ पे, जनता किसकी चाहती वो जाने, और भारी कौन पड़े, दोनों उतने अच्छे नहीं है। अगर राहुल गांधी अच्छे होते तो हारते क्यों? अरे केंद्रीय नेता होने के कारण जो है, आपको यहाँ बाथरूम करने की जगह नहीं है गौरीगंज में, एक पानी पीने की जगह नहीं, नल ही हेल लीजिए। आर आप खुल के देखिए पहले तो। अब ये है कि मोदी के नाम पे जीती अलग चीज है। चलिए देखिए माहौल आपने बताया और एक समस्या का भी आपने जिक्र किया कि यहाँ पे सार्वजनिक बाथरूम भी नहीं है। देखिए हम आगे चलते हैं और देखते हैं कि दुकानों पर क्या माहौल है, लोग किस तरह की अपनी राय देते हैं, इन लोगों से भी जानने की कोशिश करता हूं, क्योंकि अमेठी जो है बहुत टफ है और हमारे जो सहयोगी हैं काफ़ी मेहनत कर रहे हैं और इनसे जानेंगे। दादा क्या हाल है, क्या माहौल है अमेठी में इस समय? भाजपा जीतेगी यहाँ से जी, ये माहौल है यहाँ पे, ठीक है हम आगे बढ़ते हैं। भैया क्या माहौल है अमेठी के, माहौल जानना चाह रहे हैं? माहौल यहाँ से जो है, स्मृति ईरानी बहुत बुरी तरह से चुनाव हार रही हैं और राहुल गांधी यहाँ से चुनाव जीत रहे हैं, जनता ऊब गई है। केवल राहुल गांधी नामांकन कब होगा इनका? नामांकन 1 या 2 तारीख को इनका नामांकन हो जाएगा। नाम की घोषणा कब होगी, मतलब मैदान में कब आएंगे? मैदान में तो आ ही चुके हैं, नाम की घोषणा आज हो जाएगी, आज हो जाएगी, आज हो जाएगी। हाँ भारी पड़े, आगे आगे देखता हूँ। क्या माहौल है? माहौल बढ़िया है, हाँ बढ़िया माहौल है। किसका रहेगा मामला भारी? कांग्रेस का रहेगा। हाँ बहुत बढ़िया। और बताइए दादा आप, राहुल गांधी के आगे कोई नहीं टिकेगा? कोई नहीं टिकेगा। आएंगे कब राहुल गांधी? जब आएंगे तब आएंगे, जब आएंगे तब टाइट रहेगा मामला। जब आएंगे तब क्या आएंगे? कोई बात नहीं, आगे हम देखते हैं। आप लोग मामले को एकदम टाइट किए रहिए। और एक भाई साहब व्यस्त है क्या भाई साहब? क्या माहौल है अमेठी का? राहुल गांधी जीतेंगे जी। अमेठी में इसीलिए मैं कहता हूँ बहुत टक्कर है, बहुत कांटे की लड़ाई है। कोई टक्कर नहीं, राहुल गांधी जीतेंगे। अच्छा राहुल गांधी जीतेंगे, तो इस तरह का जो माहौल है, हम सड़क उस पार चलते हैं और कुछ लोगों से जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर क्या यहाँ का माहौल है और अमेठी क्या सोचती है, क्या मुद्दे हैं, क्या विषय है, क्योंकि दोनों नेता बड़े हैं और एक कांग्रेस की परंपरागत सीट रही है। अमेठी का माहौल जैसा है ठीक है फिलहाल, अब कहते हैं स्मृति ईरानी के नाम से जाना जाता है, फिलहाल ऐसा कुछ नहीं है, राहुल बाबा के नाम से जाना जाता है हमारा अमेठी जो है। कब आएंगे राहुल बाबा, एंट्री कब होगी? 29 को बोला जाता है। 29 को तो नॉमिनेशन करेंगी स्मृति ईरानी, अब देखो कौन होता है, कल का कल देखा जाएगा। हाँ माहौल दोनों में है।
तो देखिए ये रोड से रिपोर्ट थी जहाँ पे जनता से मैंने राय ली। जनता ने हालांकि खुल करके बोला है, कुछ लोगों ने राहुल के पक्ष में बोला है, कुछ लोगों ने स्मृति ईरानी के पक्ष में बोला है, कहीं न कहीं कुछ लोगों ने मुद्दों की भी बात उठाई है, कुछ लोगों ने कई विषयों की बात उठाई कि यहाँ पर इस बाजार में सार्वजनिक शौचालय होना चाहिए जो कि नहीं है। तो इन तमाम विषयों के बीच में चुनाव यहाँ पर होने वाले हैं। 29 तारीख को स्मृति ईरानी नॉमिनेशन करने जा रही हैं। राहुल गांधी की चर्चा है कि आज उनका नाम जो है वह घोषित हो सकता है या कल घोषित हो सकता है। 1 तारीख या 3 मई को वो नामांकन कर सकते हैं, चूँकि 3 मई इस जो इनका चरण है अमेठी का वह लास्ट डेट है। तो इन सब विषयों को लेके जो सड़क से रिपोर्ट रही वह बहुत ही शानदार रही। वीडियो जर्नलिस्ट सचिन सैनिक साथ राघवेंद्र पांडे, रिपब्लिक भारत, अमेठी।